अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कोरोना की रोकथाम के प्रयासों को गैर प्रदेशों से पैदल निकले और जमात के बाद इधर उधर छिपते घूम रहे जमातियों ने धता बता दिया है। प्रशासन के सामने इन दोनों ही तरह के लोगों पर नजर रखना कड़ी चुनौती बन गया है। आज दिल्ली जमात से आए नेपाल व विभिन्न राज्यों के 14 लोग एक ही मकान में छिपे रहने की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फान में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही इन सभी को उसी मकान में 14 दिन के लिए एकांत कर दिया गया। उन्हें हिदायत दी गई है कि वह यहां से कहीं न जाएं। मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इस बीच कंकड़केड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम दायमपुर में सर्वे करने की टीम पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। टीम में शामिल एक सदस्य को सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए जिस तरह से आनन फानन में जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन की घोषणा की गई, उससे बड़ी संख्या में लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। दिक्कत यह हुई कि ये लोग जहां काम करते थे उसने उन्हें वहां से रुखसत कर दिया, लिहाजा ये लोग संसाधन अभाव में पैदल ही अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। 2 दिन पहले आनंद विहार में हजारों लाखों लोग बसों के इंतजार में पहुंच गए थे। ये किसी तरह से अपने घरों तक पहुंचाए गए, लेकिन इस बीच दिल्ली निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में सम्मिलित कुछ लोग इधर उधर जान छुपाते घूम रहे हैं। इस पर मंगलवार को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खासी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि जब सारे मंदिर व मस्जिद धार्मिक स्थल बंद हैं तो फिर ऐसी हरकत क्यों हुई। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की ही बात कही है। आज मेरठ में भी ऐसे ही 14 लोग एक घर में पाए गए, इस बारे में बता रहे हैं SSP अजय साहनी। सर, परतापुर में एक मामला सामने आया कि जमात को पकड़े गए, क्या ये परतापुर में 3 मार्च को 14 लोग आए हुए थे जमात में और बार बार सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने पुलिस को नहीं बताया, तो इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है एक जगह स्थान पर 14 लोगों को शेल्टर होम में, और इनका मेडिकल परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम बुला के करा लिया गया है, और जहां रुके थे उस व्यक्ति के खिलाफ और ये जो आके रुके हुए थे दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा गया है थाना परतापुर में, कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कहां कहां के हैं अभी तक कुछ पता है? ये अलग अलग स्टेट्स के हैं, कुछ यहाँ पश्चिम बंगाल के हैं, कुछ बिहार के लोग हैं, और इनका मेडिकल चेकअप कराया गया है जिसमें डॉक्टर्स द्वारा बताया कि ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है। फिर भी एहतियात बरतते हुए इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है और अग्रिम कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराई जा रही है। हाँ, एक व्यक्ति उसे नेपाल का भी बताया। कोई मुकदमा भी पंजीकृत किया है कि नहीं? लोगों का बताया मैंने आपको कि इसमें मुकदमा जो है जो आए थे उनके और जो आए थे दोनों के खिलाफ पंजीकृत किया जा रहा है। इस बीच आज मेरठ कंकड़खेड़ा के दायमपुर गाँव में कोरोना वायरस का डोर टू डोर सर्वे करने की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इन लोगों ने टीम में शामिल एक सदस्य को सिर में ईंट मारकर घायल कर दिया। यह टीम दाताराम के घर सर्वे करने के लिए गई थी। दरअसल दाताराम के 2 पोते गौरव और सौरव नोएडा व गाजियाबाद से मेरठ आए थे। पुलिस ने चारों आरोपी दाताराम बेटे ऋषिपाल गौरव और सौरव को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में बता रहे हैं इस टीम के सदस्य। आरती, क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं सर्वे करने गई थी इनके घर पे, जब मैं सर्वे करने गई तो इनके जो लड़के हैं वो बाहर काम पे गए थे, तो हमें आदेश था कि जो बाहर गए हुए हैं उनका मोबाइल नंबर लिया जाए और उनके जांच करवाई जाए डॉक्टर की। तो जैसे ही हम मोबाइल नंबर मांग रहे थे तो इन्होंने मेरे छुट्टा ही थप्पड़ मारा कि तू हमारी जाँच करवाएगी तुझे मैं नौकरी करा दूंगा। और ये जो इनके बाबा जी हैं उल्टी सीधी गाँव गंदी गंदी, और फिर मेरे हस्बैंड को सुनाया ही शोर शराबे की जैसे हत्या पाई हुई, तो यहाँ इनके इनके लड़के ने ईंट मारी, इनका खोपड़ा फूट गया, फिर मुझे चक्कर आ गए, मैं वहीं पे गिर गई, जब से ही मैं घबरा रही हूँ। आपकी टीम के साथ कितने लोग थे और किस चीज़ की जांच करने पहुंचे थे आप? एक कलप नाम एम टी जो BLO है और ये एक नहीं दीजिए, हम 2 ही जने। क्या नाम है आपका? आरती वर्मा। कहाँ रहती हैं? दायमपुर। अच्छा, इसकी इसकी जानकारी विभाग को दिया आपने अपने? जी, हाँ जी, विभाग को। किसके यहाँ गई थी जांच करने? क्या नाम है उनका? दाताराम। दाताराम के यहाँ पे गई थी। आलू खोद कर आई खिर वैसे, फिर क्या हुआ? अभी मुझे पता लगा सारे थाने में है बंद। अच्छा, तो मैं थाने के लिए आई हूँ। घटना क्या हुई ये बताओ ना। घटना बता, क्या घटना? की लड़की हो की? यहाँ कौन है सुसरा? आज क्या मामला हुआ था आपके साथ? पति तो मेरा खत्म होगा, ऋषि था। आज का आज क्या मामला हुआ था आपके साथ? हाँ, आज की बताऊंगी ना। हाँ बताओ बताओ, क्या हुआ था? मेरे 3 बजे मैं वहाँ गई चरी काटने, जई जई काट के आई मैं, अब 12 बजे वहाँ के देखा तो ये सारी वहीं खड़ी है मेरे घर पर। हैं, मैंने जाके पूछा मगर क्या बात हुई नू, ऐसा सा बात हुई नू, बूझने बूझने में ये मेरे से सारे छिपट के, देखो सूट भी देखो कैसा फटा पड़ा, देखो देख लो। हाँ? ये कह रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी जांच करने, क्या था ये पूरा? कब आई थी?
तीन मेरे सामने तो नहीं आई, तीन तीन भी कुछ नहीं आई, ये अपना गा रही है इस बात को, नहीं तीन आई थी। फिर इन्होंने हाथ सफाई करी, ईंट बरसाई। तो झगड़ा किस बात पे हुआ, पे कारण क्या झगड़े का जब टीम नहीं आई तो? कारण कारण किस बात का? मेरा लड़का खूनस पे जी और सेना, इन्होंने मारा बड़ा पिट्टा, मारे बड़ा मारा इन्हें। आज मेरठ के सिविल लाइन स्थित हरनाम दास रोड में सूर्यनगर क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को जिला प्रशासन ने पूर्णतः सील कर दिया है। बीते दिवस यहां रहने वाले 2 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। आज से 2 अप्रैल तक इस इलाके में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। इस बीच जिले में धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 25 मई तक कर दी गई है। सर कोरोना के क्या अपडेट है? कोरोना के जो 19 पॉजिटिव थे वही हैं, आज 19 के सैंपल गए थे और उसमें कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव हैं। सर कितने लोगों की और बढ़े हैं जांच के लिए, कोरोना के कोई नए पेशेंट भी आए हैं? हाँ, 2 फैमिलीज के कॉन्टैक्ट्स को आज क्वारंटाइन में लिया है हमने, उनकी टेस्ट कल होगा और बाकी जो आज 19 सैंपल थे वो नेगेटिव हैं। मेरठ पुलिस लाइन में बड़े पैमाने पर मास्क व ऐसा है लोगों के लिए खाना भी बनाया जा रहा है। आज पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पुलिस लाइन पहुंचकर किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। यहां पुलिस कर्मी खाना बना रहे हैं और लोगों के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं। सीखा कितने दिनों से आप मास्क बना रहे हैं? 28 तारीख से। क्या क्या दिमाग में है, क्या उद्देश्य है, क्या? देश की सेवा। कितने मास्क बनते हैं टोटल? 1200-1500 ऐसे। तो जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा जब तक ये बनाते रहेंगे संकट रहेगा? हाँ जी, जल्दी ही टल जाए। पुलिस ने नई शुरुआत की है, देश में मास्क की कमी है, उस मास्क की कमी को आप पुलिस कर्मी पूरा करेंगे। रोजाना तकरीबन 1500 मास्क के आसपास से बना रहे हैं, इस शुरुआत के बारे में क्या कहेंगे? जो हमारे अपने पुलिसकर्मी हैं, आपको पता होगा कि मास्क रोज़ाना यूज़ होता है, रोज़ाना चेंज करना पड़ता है और पर्याप्त मात्रा में धनराशि हमारे मुख्यालय से डीजी साहब ने भेजी है, तो स्वयं की सुरक्षा के लिए और अगर सरप्लस होगा तो हम उनमें से बांटेंगे भी। इसके लिए जो हमारे अपने पुलिस लाइन के टेलर हैं और जो कुछ लेडी फॉलोअर्स हैं जो कि मृतक आश्रित में भर्ती हैं, उनकी सहायता से और जो हमारे कर्मी हैं जो स्वेच्छा से वहाँ काम करना चाहते हैं, उनकी मदद से 1500 मास्क पर डे हम लोग बना रहे हैं और इसके अतिरिक्त एक कम्युनिटी किचन भी हमने जन सहयोग से थाने वहाँ पुलिस लाइन में चला रखा है और वहाँ सेट भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आता है खाने के बारे में या राशन के बारे में तो उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमने अपने पुलिस लाइन के जवानों के और उनके कल्याण के लिए वहाँ राशन दुकान, वहाँ सब्जी जो उचित दर पर मिले, दूध की व्यवस्था इत्यादि कराई हैं। पहले बहुत सारे लोग दूध सप्लाई करते थे लाइन में, उसको बंद करके संक्रमण को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने एक जगह से एकीकृत व्यवस्था कराई है जिससे कि हमारे कर्मियों को कोई नुकसान ना हो और साथ साथ सभी चीज़ें समय से उनको मिल जाए। इस खबर में आज इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।